पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ एमपी कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से एमपी कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in। सागर जिले सहित प्रदेश के कई बड़े जिले कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को रोकने तथा संक्रमित मरीजों के उचित उपचार की व्यवस्था के लिए कलेक्टर के आदेश अनुसार जिले के प्रत्येक ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। सागर जिले के जैसीनगर में भी राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ज्ञानोदय महाविद्यालय में 50 बिस्तर वाला कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका निरीक्षण आज मंत्री प्रतिनिधि हीरा सिंह राजपूत एवं एसडीएम पवन बारिया ने किया, जिनके साथ स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मौजूद रहा। मीडिया से बात करते हुए एसडीएम पवन बारिया ने बताया कि कलेक्टर की मंशा अनुसार हर ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर खोले जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए जैसीनगर का ज्ञानोदय महाविद्यालय उपयुक्त है। यहां सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करके जल्द ही यहां कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में एक कोविड केयर सेंटर खोले जाने के निर्देश मिले हैं हमें। उसी तारतम्य में जो है आज जैसीनगर में जो है यहाँ पर ज्ञानोदय कॉलेज में हमने आज निरीक्षण किया गया। यहाँ पर जो है हम अभी एक 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए हमने हमारे जो अधिकारी हैं यहाँ पे और जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उसके साथ एक संयुक्त निरीक्षण किया गया, तो ये जगह बिल्कुल उपयुक्त पाई गई है। हमने यहाँ पर सारे जो मेडिकल स्टाफ के लिए इक्विपमेंट्स और जितने भी नोडल ऑफिसर हैं उसके लिए आज चर्चा कर ली है। उसके लिए बीएमओ साहब के द्वारा मेडिकल्स के लिए मांग पत्र भी जारी कर दिया गया है। कल तक सारे संसाधन पूर्ण करके हम ये प्रयास करेंगे, परसों तक हम इसे शुरू करते हैं। वहीं मंत्री प्रतिनिधि हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जनता की सेवा में कोरोना से बचाव में लगे हुए हैं। जैसीनगर में कोरोना मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए ज्ञानोदय महाविद्यालय प्रशासन को सौंप दिया गया है। प्राकृतिक प्रकोप है, हमारी भारत सरकार से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान लगातार मेहनत कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं जिला मुख्यालय पर हैं, पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करें, मास्क से लेके दूरी से लेके हाथ साफ। जहां तक सवाल जैसीनगर का है, हमारे क्षेत्र के आपके माननीय गोविंद राजपूत जी ने निर्णय लिया है कि राहतगढ़ हो, जैसीनगर हो और मौका पड़ेगा तो हम सुर्खी बिलारा में भी, अगर ग्रामीण अंचलों में यह महामारी फैलती है तो तत्काल जिला मुख्यालय पर उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही। जिला मुख्यालय पर भी हम लोगों ने कलेक्टर हमारे कलेक्टर महोदय ने और माननीय मंत्रियों ने 1000 पलंग की व्यवस्था। जैसीनगर से कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।